हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो सिलेंडर टाइप लाइट होती है उसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास में एक ये लाइट है, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग तरह की लाइट है। तो इसे सिलेंडर टाइप COB लाइट बोला जाता है। तो ये जो सरफेस पे लगती है, जैसे दूसरी लाइट होती है तो जैसे POP है तो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, तो वो लाइट POP के अंदर चली जाती है और हम उसे आसानी से फिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लाइट के अंदर ऐसा नहीं है। ये लाइट जैसे सरफेस लाइट लगाते हैं हम कोई भी, तो उस प्रकार से ये लाइट लगती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये लाइट है, तो यहाँ देखिए COB टाइप दिया हुआ है। वो देखिए यहाँ कुछ स्प्रिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, सिलेंडर के टाइप है। और देखिए यहाँ पीछे इसके ये खाली जगह दिया हुआ है इतना सा, और यहाँ देखिए इसका ड्राइवर है। तो इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ पर एक रिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम इसे खोलेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक रिंग दिया हुआ है, और रिंग के अंदर देखिए यहाँ पर छेद दिए गए हैं तीन। तो ये हमें छत के ऊपर लगा के इसको स्क्रू करना रहता है, और इसे हम सरफेस तरीके से लगा सकते हैं। और देखिए इसके अंदर ये इसका ड्राइवर है, वो देखिए बाकी अंदर से ये इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लगाना रहता है हमें POP के अंदर। अगर हम POP के अंदर लगा रहे हैं तो POP के अंदर भी इसे लगा सकते हैं, अगर हम बाहर जो छज्जा निकला हुआ है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर हम इसे DFJB के ऊपर लगाते हैं तो डायरेक्ट DFJB के ऊपर ये नहीं लग पाएगी। इसके लिए आपको जो राउंड सीट है और राउंड सीट के ऊपर ये लगा कर रिंग, फिर उसके बाद में आप इसे DFJB के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट छत के अंदर लगा सकते हैं इसको। अगर हम POP के अंदर लगा रहे हैं तो दोस्तों ये डायरेक्ट POP के अंदर भी नहीं लग सकता, क्योंकि जहाँ पर POP के अंदर है वो हम इसे छेद करके नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके कोई बॉटम आ रहा है या कोई प्लाई की छत है तो उसके ऊपर हम इसे बड़ी इजी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं कि इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम इसे POP के अंदर लगाते हैं तो उसके लिए देखिए आपको इस प्रकार की जो वॉल्व प्लग आती है उसे यूज़ करना है। देख सकते हैं ये इस प्रकार की मेरे पास में एक वॉल्व प्लग है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इसमें 8 mm का POP की जो सीट है उसके अंदर होल करेंगे, उसके बाद में देखिए इस वॉल्व प्लग को, तो ये इस प्रकार से ये वॉल्व प्लग हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वॉल्व प्लग को उस होल के अंदर डाल के जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये जैसे फूल जाएगा वापस से। फिर इसके अंदर हम जैसे ही हम स्क्रू करेंगे तो ये इस प्रकार से ये फुल टाइट हो जाएगा। तो जो आपके POP के अंदर प्रॉपर तरीके से पकड़ कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है वो कभी नीचे नहीं गिरेगी और बड़ी आसानी से ये लाइट आपकी लग जाएगी। तो चलिए, इस लाइट का मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ कि POP के अंदर इस लाइट को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर POP दिया गया है। तो POP के अंदर डिज़ाइन के अंदर देखिए 4 वायर निकाले हुए हमने, देखिए एक वायर वहाँ पे निकाला हुआ है, एक वहाँ पे निकाला हुआ है और एक वहाँ पर निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से 4 वायर यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो इसके अंदर देखिए वो लाइट को हम इंस्टॉल करने वाले हैं, सिलेंडर टाइप लाइट को। तो चलिए हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो देखिए, लाइट लगाने के लिए अभी यहाँ पर कोई ग्रुप निकाला हुआ नहीं है। देखिए, जो लाइट लगाने के लिए जो होल बनाया जाता है, तो यहाँ पर कोई होल बनाया हुआ नहीं है। तो डायरेक्ट हमें इस लाइट को यहाँ पर फिक्स करना है। तो दोस्तों, लाइट लगाने के लिए देखिए यहाँ से हमने वायर को छील लिया है, और साथ में देखिए ये जो रिंग है इसको हमें अलग कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमें रिंग को लगाना है, तो देखिए जहाँ हमें लाइट लगाना है वहाँ पे देखिए यहाँ इस प्रकार से देखिए वायर निकला हुआ है यहाँ पे कंप्लीट POP के अंदर। तो यहाँ क्या करना, देखिए हम रिंग को यहाँ पे हमें लगाना है, और जिस हिसाब से हमें सेंटर करना है वहाँ करके हमें देखिए यहाँ जो होल है उसकी मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मार्किंग आ गई है यहाँ पर। तो अब यहाँ लगाना है हमें वॉल प्लग। तो वॉल प्लग लगाने के लिए देखिए, अगर कोई ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन से छेद कर सकते हैं, नहीं तो हम पेचकस है तो पेचकस से भी छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेचकस लेकर पेचकस से भी आप यहाँ से इसको बढ़िया से इस प्रकार से छेद कर सकते हैं POP के अंदर। तो देखिए, अब इसके अंदर हमें इस प्रकार की जो वॉल प्लग है वो लगाना है। तो वॉल प्लग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको इस प्रकार से कर लेना है, और जो होल है उसके अंदर इसको लगा देना है। देखिए यहाँ से जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, तो देखिए जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो देखिए बिल्कुल एक जैसे ये लग गई है, और बिल्कुल POP के सट के लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से बाकी को भी हम लगा लेंगे। फिर दोस्तों देखिए, इसके बाद में जो ये रिंग है इसे हमें यहाँ पर लगाना है। तो रिंग के अंदर कर लेंगे हम स्क्रू।
तो देखिए ये रिंग यहाँ पर प्रॉपर फिक्स हो गई है, तो अब हमें लगाना है लाइट को। तो लाइट के लिए देखिए यहाँ पर हम रिंग को जो वायर है वायर की मूछ छीन लेते हैं और नॉर्मल जिस लाइट का कनेक्शन करते हैं उसी प्रकार से लाइट का इस लाइट का भी कनेक्शन करना है। तो देखिए ये कनेक्टर है, तो कनेक्टर को यहाँ से जो पिन है तो यहाँ से हम अलग कर लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से हमने अलग कर लिया है, तो अभी जो कनेक्टर है इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो जो एक्स्ट्रा वायर है इनको हमें वापस से जो पीओपी है उसके अंदर डाल देना है। फिर देखिए कनेक्टर को वापस से जो लाइट है उससे जोड़ देना है हमें। ये लाइट कम्प्लीटली हो गई है, तो बिल्कुल नहीं हिट दी है जैसे हमने इसके अंदर छत के अंदर लगाया है उस प्रकार से। देखिए प्रॉपर तरीके से ये फिक्स हो गई है, तो इस प्रकार से लाइट लगाना है।